लोग बोलते हैं यार ये चोरते का काम है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोल के बताइएगा, जोड़ने का काम है तो कौन सा गलत काम है? अरे दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को देखिएगा, कोई जात के नाम पे, कोई पात के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई गरीब के नाम पे, कोई दलित के नाम पे, कोई सवर्ण के नाम पे, कोई हिंदू के नाम पे, कोई मुस्लिम के नाम पे, कोई सिख के नाम पे, कोई ईसाई के नाम पे, ये सारे लोग, बड़े बड़े लोग इन अलग अलग नावों से लोगों को तोड़ तोड़ के पैसा कमा रहे हैं, हम तो जोड़ जोड़ के कमा रहे हैं यार। तोड़ के कमाना गलत है, जोड़ के कमाना गलत नहीं है। खोल के बोलिएगा, अगर शर्म आनी चाहिए तो उन लोगों को जो तोड़ के कमाते हैं, सीना चौड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि हम तो जोड़ के कमाते हैं यार। और समझिएगा, जो तोड़ तोड़ के कमाते हैं वो एक परिवार की जिंदगी बनाता है, और जो जोड़ जोड़ के बनाता है, और मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर इस हॉल में बैठा हुआ हर आदमी 4 साल तक रुक गया तो हर आदमी की लग्जरी गाड़ी में लाने की गारंटी मेरी है। 4 साल रुकने के लिए तैयार है? yes! देखिए, मैं मेरा वादा निभाऊंगा। 4 साल आप रुकने का कमिटमेंट करो, मैं मेरा वादा निभाऊंगा। क्या आप रुकने के लिए तैयार हैं? yes! और सच बताऊं, यहां पे महावीर जी बोल रहे थे, जब उनके घर में गाड़ी नहीं थी और उनका बेटा अभी मुझे बोल रहा था, बोला कल पापा का बर्थडे है अंकल, ओडी कली दिला दो ना। महावीर जी, मैं ये कह सकता हूं कि आपके ओडी जितने का है, यदि उससे ज्यादा मेरे अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, आप ट्रांसफर करवा लेना, मैं ट्रांसफर कर दूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। यही कमिटमेंट है यार, बात ओडी की नहीं है, बात उस बच्चे की फीलिंग्स की है यार। जब इनका बच्चा ऐसे सोचता है तो क्या आपका नहीं सोचता होगा क्या? सोचने वाली बात ये है, मैं जब ये नई गाड़ी ली तो उसके दूसरे दिन मेरा छोटा बेटा मुझे बोलता, चलो पापा कहीं घूमने चलते हैं, तो हम दोनों चले गए। क्योंकि अच्छी बात क्या है कि छोटी गाड़ी में प्राइवेसी दोनों ठीक रहती है, तो बाद में भी दोनों चले गए, कोई तीसरा सुनने वाला बात है नहीं। तो उसने ब्लूटूथ कनेक्ट करके कोई हरियाणवी गाना लगाया, और वो गाना मैंने भी पहली बार सुना, बड़ा हरियाणवी गाना होता, देसी हरियाणवी ऐसा गाना लगाया। मैंने बोला आप तुमने क्या लगा रखा है? छोटा ही बड़ा नहीं, तो मुझे उसकी बात वो बार बार दिमाग में घूमती है, मुझे बोलता है अच्छा तुमने खोल रखी। बोला पापा जब कोई सुनेगा ना तो किसी को लगेगा कि यार ये गाड़ी है ना किसी बनिया ने नहीं, किसी जाट ने ली है। देखिए मैं बनिया जाट ब्राह्मण वाली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन छोटे से बच्चे की भावनाएं थी उनको बताना चाह रहा हूं। मतलब इतने प्यार से उसने बोला कि जब ये गाना कोई सुनेगा ना तो लगेगा यार किसी जाट ने इसी गाड़ी ली है। क्योंकि हम लोग तो एक ही आदमी थे, पहले तो जाट और दूसरे फौजी। तो ऐसा एक कहावत है कि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, यानी 16 दुनी, एक तो जाट और दूसरे फौजी, 16 दुनी 8। हमें इतना आता है भाई, 16 दुनी 8। अब उस आदमी के लिए ऐसी गाड़ी आ जाए तो यार अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन सच बताऊं दोस्त, सोच के देखिएगा, फील करके देखिएगा, आप अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए कीजिएगा, आपके बच्चे, आपका परिवार आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें कर रहा है। हम नए जमाने में आ रहे हैं, नई सदी में आ रहे हैं, लोगों को आपको बहुत कुछ प्रूव करना है। आज आपने 500 रुपए या जितने का भी टिकट हुआ होगा देके आए हैं यहाँ पे, आज आपने 5-6 घंटे का टाइम दिया है। आप मुझे बताइए कितने रुपए खर्च करके आए हैं? आप क्या खर्च करके आए हैं? किसी ने बोला कि उससे ज्यादा का खाना मिल गया? दोस्त 500-600 रुपए कोई मायने नहीं रखता है, नहीं खर्च किए हैं। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आज आपने एक ऐसी चीज खर्च कर दी है जिसकी कोई भरपाई कभी हो नहीं पाएगी, और वो ये है कि आपका पिछले 8 घंटे का टाइम जिसकी कोई कीमत नहीं है, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाना, आज का वक्त दोबारा कभी खरीद नहीं पाओगे।